फ्रेंड्स कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करूंगा अच्छे होंगे। आज फिर से मैं एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूं अपने यूट्यूब चैनल एसआर सचिन एसआर में। तो काफ़ी लोगों ने इलेक्ट्रिक स्कूटर को परचेज़ कर लिया है। जैसा कि बढ़ती पेट्रोल के दर से आपको मुक्ति मिली और आपने एक इलेक्ट्रिक स्कूटर को हायर किया, तो इसके लिए बहुत ही अच्छी और गर्व की बात है कि आपने एक इलेक्ट्रिक स्कूटर रखा। लेकिन कभी कभी इलेक्ट्रिक स्कूटर में भी प्रॉब्लम क्रिएट्स हो जाते हैं। जैसा कि आपको सभी को पता होगा कि मोस्टली कंट्रोलर ख़राब होता है। तो जी हाँ फ्रेंड्स, जैसे कि मोटर और कंट्रोलर बैटरी तीन ही चीज़ों पर इलेक्ट्रिक स्कूटर निर्भर है, जिसमें से अगर जैसे आपका कंट्रोलर ख़राब हो जाता है तो आप अपनी वर्कशॉप पे जाते हैं, जहाँ से आपने गाड़ी परचेज़ करी आप अपनी वर्कशॉप पे जाते हैं, वहाँ पर भी इसका सजेशन नहीं मिलता है, तो आप बड़े निराश हो जाते हैं। मान लीजिए आपने जैसे कंट्रोलर ख़राब हुआ और वहाँ पर भी आपको कंट्रोलर नहीं मिल पा रहा है, वो तो आप क्या करेंगे। जी हाँ फ्रेंड्स, मेरी से भी आप परचेज़ कर सकते हैं कोई भी तरीके का कंट्रोलर है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब या लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बगल में बेल आइकन दिखाई पड़ रहा है उसको प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आपके पास पहुँचे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर कई सारे ऐसे कंट्रोलर हैं जो कि आफ्टर मार्केट में आपको नहीं मिलेंगे। आप इसको हमसे भी बाई कर सकते हैं या फिर किसी भी अगर आपके शॉप पर मिलता है तो आप उससे बाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले जो मैं कंट्रोलर दिखाने वाला हूँ ये है 72 वोल्ट का हाई स्पीड कंट्रोलर और ये 2000 वाट तक का, यहाँ पर देख पा रहे होंगे आप, 2000 तक का मोटर पे वर्क कर सकता है और इसकी टॉप स्पीड जो रहेगी वो 70 से 80 की टॉप स्पीड रहेगी और इसमें 3 गियर स्टेप मोड होता है। तो आप ये भी कंट्रोलर परचेज कर सकते हैं और ये काफ़ी बेहतर परफॉर्मेंस क्रिएट करता है और ये वाटरप्रूफ कंट्रोलर है। आप देख पा रहे होंगे चारों तरफ से ये सील्ड पैक है, ये ओपन भी नहीं कर सकते हैं। अगर आप ओपन करना चाहते हैं तो ये ओपन भी नहीं होगा इतनी आसानी तरीके से। तो इसके अंदर वाटर भी नहीं जाता है, वाटर जाने के भी चांसेस बहुत ही कम हैं। और यहाँ पर आपको जो ये देखने को मिलते हैं ये वायरलेस केबल देखने को मिलती हैं। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे ये केबल एक ही कपलर से जुड़े होते हैं। ये देखिए केबल एक ही कपलर से जुड़े होते हैं, तो इनको केवल ये कपलर की सहायता से जोड़ा जा सकता है। और यहाँ पे मोटर हॉल इफेक्ट सेंसर की वायर लगती है और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे प्लस पॉइंट और माइनस पॉइंट दे रखा है और यहाँ पर जो है आपका ये मोटर वायर दे रखी है। तो इसको मैं साइड में रखता हूँ, ये 72 वोल्ट तक का वर्क कर सकता है, ये 60-72 पे आप इसको आराम से परफेक्टली वर्क करा सकते हैं। तो ये हो गया एक कंट्रोलर की बात। आप इसको परचेज़ करने के लिए डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया है, आप वहाँ से भी कांटेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद ये भी एक 72 वोल्ट का कंट्रोलर है, ये भी 60-72 का कंट्रोलर है। ये क्या है, नॉर्मल स्कूटियों में जो यूज़ किया जाता है 65 तक का स्पीड के लिए, 50-55-65 तक का स्पीड के लिए, तो ये कंट्रोलर है। जी हाँ फ्रेंड्स, ये भी काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस क्रिएट करता है और ये हल्का वाटरप्रूफ है, जिसको हम 50% वाटरप्रूफ बोल सकते हैं, क्योंकि ये भी आपको स्टील बॉडी पे देखने को मिलेगा। ऊपर से यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी, ये देखिए यहाँ पर आपको मोटर की वायर, ये एकदम समझ लीजिए नॉर्मल जैसे वायर निकली रहती हैं। आपको केवल इसको परचेज़ करना है और अपने इलेक्ट्रिक स्कूटर में कनेक्ट कर लेना है। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे 60 और 72 का कनेक्टर दे रखा है, जो कि आप देख पा रहे होंगे इसको अगर कनेक्ट करेंगे तो ये 60 पे परफॉर्मेंस क्रिएट करने लगेगा और डिसकनेक्ट करेंगे तो ये 72 पे परफॉर्मेंस क्रिएट करने लगेगा। तो ये भी एक कंट्रोलर है, आप इसको भी परचेज़ कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ये टेस्टिंग वाला वर्जन है, इस वजह से आपको नया कंट्रोलर दिया जाएगा। ये इससे मैं टेस्ट करता हूँ, ठीक है, तो ये भी काफ़ी अच्छा है। उसके बाद बात करें तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ये 48 वोल्ट का स्मार्ट कंट्रोलर है। जैसे ही आप ब्रेक दबाते हैं तो आपको LCD पे सिग्नल शो होते हैं, वो इसी कंट्रोलर के माध्यम से शो होते हैं। तो ये भी काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस क्रिएट करता है। ये आपका 20% वाटरप्रूफ है, इसमें पानी जाने के चांसेस रहते हैं, इस वजह से हम लोग इसको पूरी कवर कर देते हैं सेलोफेन की सहायता से
और उसके बाद ये देख सकते हैं नॉर्मली इसमें कपलर दिए हुए हैं, नॉर्मल जैसे कि मैंने आपको बताया कि वायर के साथ ये कपलर दिए हुए हैं, तो आप आराम से इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। तो ये भी आप परचेज़ कर सकते हैं, ये ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं होता है, और ये नॉर्मल जो है किसी भी, अगर आप इलेक्ट्रिक की शॉप पे जाएंगे, इलेक्ट्रिक स्कूटर की शॉप पे जाएंगे, तो वहाँ पर आपको आराम से ये परचेज़ हो सकता है। अगर नहीं हो रहा है तो आप मुझसे कमेंट करके भी परचेज़ कर सकते हैं। सबसे जो बेहतरीन कंट्रोलर है, जिसकी खास बातें हैं इस समय चर्चा में चल रहा है, वो है ये कंट्रोलर। ये वायरलेस कंट्रोलर है और ये 50% वाटरप्रूफ होता है। डेटा शीट के साथ है मेरे पास मौजूद, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे डेटा शीट लगी हुई है। इसको मैं इंग्लिश में भी आपको डेटा शीट दे दूंगा। और ये है 72 वोल्ट का कंट्रोलर, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा। और ये 1000 वॉट तक की मोटर का परफॉर्मेंस क्रिएट कर सकती है। और ये वायरलेस कंट्रोलर है, वायर आपको अलग से परचेज करने होंगे। अगर वायर आपके में पहले से लगा हुआ है तो आपको वायर खरीदने की ज़रूरत नहीं है। अगर वायर नहीं लगा है तो अब आपको ये वायरनेस खरीदनी पड़ेगी। इसको मैं साइड में रखता हूँ। यहाँ पर आपको मोटर के 3 कनेक्शन देखने को मिलेंगे, यहाँ पे प्लस और माइनस देखने को मिलेगा, ये कपलर देखने को मिलेंगे आपको सारे सेंसर के। जी हाँ फ्रेंड्स, इसमें आप अपने कंप्यूटर से कोडिंग भी कर सकते हैं और ये काफ़ी हाई स्पीड भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो चीज़ है ये काफ़ी परफॉर्मेंस क्रिएट करती है और ये बहुत ही इस समय चर्चा में है। और बहुत सारे जितने भी इलेक्ट्रिक स्कूटर आ रहे हैं, ओकिनावा, कोमाकी, जितने भी यो बाइक, ये सभी ये वाला कंट्रोलर जो है इंस्टॉल कर रहे हैं। और इस कंट्रोलर की मैं खासियत बता दूं आपको, इसमें कंट्रोलर में खासियत क्या है, ये कंट्रोलर आपका लिथियम फॉस्फेट, लेड एसिड और लिथियम आयन तीनों बैटरी पे परफॉर्मेंस क्रिएट कर सकता है, ये कंट्रोलर की खासियत है। तो इसको भी आप परचेज कर सकते हैं। यहाँ पर ये आप देख पा रहे होंगे, ये 48 और 60 वोल्ट का नॉर्मल कंट्रोलर है, ये आपको मार्केट में मिल जाएगा। लेकिन अगर नहीं मिल रहा है तो भी आप ये परचेज कर सकते हैं। ये 1000 वॉट तक का काम करता है और 30 एम्पियर तक का काम कर सकता है। तो ये मुझको कुछ खास नहीं लगा, लेकिन ये आप 48 वोल्ट की गाड़ी के लिए आप आराम से इसको मंगा सकते हैं, जैसे कि हीरो इलेक्ट्रिक हुई, उनके लिए ये बहुत ही आसानी से असेंबल कर सकते हैं। अगर आपको असेंबल वाली कोई वीडियो देखनी है तो मेरे चैनल पे सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बगल में बेल आइकन दिखाई पड़ रहा है उसको प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाली लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो इसमें केवल यही है कि आप अगर कोई भी कंट्रोलर परचेज करना चाहते हैं, थ्रोटल परचेज करना चाहते हैं या किल स्विच लॉक परचेज करना चाहते हैं, मेरे पास सभी चीज़ें उपलब्ध रहेंगी, ऐसा कोई चीज़ नहीं है। आपको कैश ऑन डिलीवरी भी मिल जाएगी, अगर आप करना चाहते हैं कैश ऑन डिलीवरी तो वो भी आप कर सकते हैं, लेकिन आपको 20% एडवांस जमा करना पड़ेगा और फिर उसके बाद आपको कैश ऑन डिलीवरी हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो भी आइटम आप मंगाएं सोच समझ करके मंगाएं, क्योंकि वापसी में थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट, ये वाला सीन हटाओ। तो आपको कोई भी चीज़ परचेज करनी होगी तो आप जो है मेरे जो दिए हुए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सअप नंबर है, कॉल भी कर सकते हैं और कोई भी चीज़ परचेज कर सकते हैं। और उसकी जो भी चीज़ आपको मंगाना होगा उसकी फ़ोटो सेंड करनी होगी पहले, कि ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए कि आपको कौन सा कंट्रोलर चाहिए। जी हाँ फ्रेंड्स, तो आज की वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, चलिए वीडियो को यहीं पर डी एंड करते हैं।